हेलो फ्रेंड्स, कैसे वैसा करता हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, तो कुछ रिश्ते की फोटो एडिटिंग करेंगे। जो भी बैकग्राउंड एंड पीएनजी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबा दें। मैं डेली ऐसे ही न्यू कॉन्टेंट लाता ही रहता हूँ। तो यहाँ से ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे एंड अपने मॉडल को चूज करेंगे। तो चलिए अपने मॉडल को, आपको कुछ इस टाइप से फोटो क्लिक करानी है एंड देख सकते हो। एंड कुछ यहाँ पे इस टाइप से रख देंगे। एंड यहाँ पे रखने के बाद क्या करना है, यहाँ से फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करना है एंड बैकग्राउंड पीएनजी ऐड करना है। तो फर्स्ट ए वाली पीएनजी ऐड करते हैं एंड यहाँ से ऐड एंड इसको फुल स्क्रीन कर देंगे एंड डाउन करके कुछ इतना नीचे ले आएंगे एंड जस्ट यहाँ से ये करने के बाद फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे एंड फिर से एक और पीएनजी ऐड करेंगे। तो ए वाली पीएनजी है जो स्नेक की है। तो कुछ इस टाइप से रख के एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से कर देंगे एंड यहाँ से करने के बाद यहाँ से ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे एंड बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ब्लैक कलर चूज करके यहाँ से ऐड पर क्लिक कर देंगे एंड ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से पूरा फुल कर देंगे एंड यहाँ से रेजर पर क्लिक करके यहाँ से इनवर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्रश पर क्लिक करेंगे एंड ब्रश को कुछ इतना रख के एंड साइज अपने मुताबिक हार्डनेस को कुछ इतना रखेंगे एंड ओपेसिटी को कुछ इतना एंड जस्ट ऐसे जूम कर लेंगे एंड जूम करने के बाद हम शैडो बनाएंगे। तो शैडो इसके साइड में बनाएंगे एंड तो चलिए हम बनाते हैं एंड मॉडल के अपने ऊपर शैडो बनानी है एंड हार्डनेस को थोड़ा और कम कर लेते हैं, ओपेसिटी को कम एंड मॉडल के ऊपर मतलब कि शैडो बनानी है एंड ऐसा करने से अभी बताते हैं क्या होगा। एंड कुछ इस टाइप से रखने के बाद यहाँ से राइट एंड क्या करना है, यहाँ से लेयर्स पे क्लिक करके इसको मूव डाउन कर देना एंड देख सकते हो मॉडल के पीछे चले गए एंड अपर साइड पर क्लिक करके एंड अपर साइड कुछ इतना रख देना है एंड रखने के बाद फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे एंड एक और पीएनजी ऐड करेंगे। तो ये बिगनेट की पीएनजी है और ये देखो कुछ इस टाइप से एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से रख दें एंड रखने के बाद यहाँ से राइट पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से ड्रॉ में चलेंगे एंड यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करके एंड यहाँ से सेव इमेज कर लेंगे। बाकी हम लाइटरूम में करेंगे। तो चलिए लाइटरूम में चलते हैं, यहाँ से गैलरी ओपन करते हैं एंड गैलरी ओपन करने के बाद ये रही हमारी पिक एंड यहाँ से इसको सेंड पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से लाइटरूम में सेंड कर देंगे। लाइटरूम में हो चुका है एंड चलिए तो हम लाइटरूम में चलते हैं। तो हमारा लाइटरूम यहाँ पे, लाइटरूम ओपन किया एंड ये रही हमारी पिक एंड इसको करेंगे एडिट। तो यहाँ से लाइट पर क्लिक कर देते हैं एंड कंट्रास्ट को बढ़ाएंगे, हाईलाइट को प्लस रखेंगे एंड शैडो को माइनस रखेंगे एंड वाइट को प्लस एंड ब्लैक को माइनस और यहाँ से कलर्स में आ जाएंगे एंड वाइब्रेंस बढ़ा देंगे और यहाँ से टेम्परेचर को माइनस के साइड रखेंगे 3 एंड टिंट को छोड़ देते हैं, टिंट को प्लस के साइड ना रखेंगे। यहाँ से मिक्स में आ जाएंगे, मिक्स में आने के बाद इसका सेचुरेशन हम प्लस के साइड रखेंगे एंड यू को माइनस रखेंगे और जस्ट इसका सैचुरेशन माइनस एंड लुमिनस को प्लस और यहाँ से येलो कलर का सैचुरेशन प्लस रखेंगे एंड यू को प्लस रखेंगे और ग्रीन कलर का भी सैचुरेशन प्लस एंड यू को प्लस एंड सैचुरेशन को माइनस कुछ इतना रखेंगे एंड एक्वा कलर का सैचुरेशन प्लस कुछ इतना एंड ब्लू कलर का सैचुरेशन कुछ इतना एंड इन दोनों का सैचुरेशन माइनस के साइड रखेंगे एंड जस्ट यहाँ से डन होने के बाद यहाँ से इफेक्ट्स में आ जाएंगे। इफेक्ट्स में आ जाने के बाद यहाँ से क्लैरिटी को 15 रखेंगे एंड डीच को प्लस के साइड रखेंगे 10 एंड बिगनेट को माइनस के साइड रखेंगे 20 एंड जस्ट बिफोर आफ्टर देख सकते हो। यहाँ से शेयर एंड सेफ्टी डिवाइस। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।